हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जो लोग भी इस सुबह सुबह आए हैं लाइव सेशन अटेंड करने, उन सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। ओके, देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों का जो रूटीन, हम लोगों ने किस तरीके से अपना एक टारगेट सेट किया था कि हम लोगों को कैसे कैसे अपने हर एक शेड्यूल को पूरा करना है। हम लोग 3 दिन रखे थे कि हम लोग 3 दिन में एंशियंट कंप्लीट करेंगे, 3 दिन में जो है हम लोग मेडिवल करेंगे, और उसके बाद जो 3-4 दिन में हम लोग आपको मॉडर्न हिस्ट्री करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी लंबा भी है, इसलिए 4 दिन तो आपका लग ही जाएगा। तो 2 पार्ट मैंने आपका बना दिया है मेडिवल पे, और आप लोगों को बस करना क्या है कि देखिए, जितने भी मेडिवल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैंने आपको करवा दिया है अपने PDF में। PDF आपको टेलीग्राम पर भी मिल गया होगा और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ होता है आपका PDF। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज भी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी क्या है, देखिए आज हो गया मंडे, और अभी क्या है कि इसके बाद से आपका कल से जो स्टार्ट हो जाएगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री, फिर आपका फ्राइडे तक मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, और आपका सैटरडे और संडे ये 2 दिन तक मैराथन टेस्ट आपसे लेंगे। अभी तक टोटल 10 क्लासेस किए हैं, यानी कि 10 क्लासेस के जितने भी PDFs होंगे, और हर एक PDF में यानी कि 50+ तो क्वेश्चन थे ही थे, यानी कि 500 क्वेश्चंस। उस 500 क्वेश्चंस में से 200 क्वेश्चंस का एक मैराथन टेस्ट आपसे ले लेंगे 2 दिन को, तो रिवीजन भी आपका हो जाएगा। बस इतना कर लेंगे ना, हम लोगों का सिर्फ CHSL ही नहीं, CGL हो, स्टेनो हो, अभी जो नया फॉर्म आया आपका वैकेंसी कॉन्स्टेबल का, वो सारे कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग टेस्ट के रूप में ही आपका टेस्ट होगा ये वाला मेडिवल का। चलिए, और एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दूंगा, स्टॉप वॉच एकदम कंटिन्यू में चलते रहेगा, तो एकदम तेजी से आंसर देना है। स्टार्ट करें हम लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि वेयर डिड औरंगजेब डाई, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी ये आपको बताना है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, याद करते एकदम चलना है आपको। चलिए, यहाँ हो चुका है टाइम अप। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी अहमदनगर में। ठीक है ना, अहमदनगर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग कि बहादुर शाह वाज बॉर्न इन द ईयर, तो बहादुर शाह का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। बहादुर शाह वाज बॉर्न इन द ईयर एंड व्हाट इज द राइट आंसर। चलिए, यहाँ हो गया है टाइम सब समाप्त। 1643 में बहादुर शाह का जन्म हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द मनसाबदरी सिस्टम। ठीक है ना, मनसाबदरी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, आपके सामने इतने ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए, टाइम हो गया फिनिश आपका। तो यहां देखिए, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, अकबर ने मनसाबदरी सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया था। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे तो इंपॉर्टेंट ही हैं, किसको इंपॉर्टेंट और ये बोले कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, द मार्केट रेगुलेशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो ये जो मार्केट रेगुलेशन सिस्टम था किसके द्वारा पेश किया गया था। मार्केट रेगुलेशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, कम ऑन गाइज, फटाक से आंसर दीजिए। चलिए, यहाँ हो गया है टाइम अप। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मार्केट रेगुलेशन सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था, और अभी तक सब लोगों का आंसर करेक्ट में आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर रोट देयर ओन ऑटोबायोग्राफीज, तो निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। देखिए, यहाँ हो गया आपका टाइम अप। बाबर और जहांगीर, इन दोनों ने अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर रोट देयर ओन ऑटोबायोग्राफीज, तो बाबर एंड जहांगीर इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नोन एज द पैरोट ऑफ इंडिया, तो निम्नलिखित में से किसे भारत के तोते के रूप में जाना जाता है, तो भारत के तोते के रूप में किसको जाना जाता है। चलिए, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए टाइम अप हो गया, अमीर खुसरो इज योर राइट आंसर। क्या होगा गाइस, अमीर खुसरो, वेरी गुड, सबका करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया वाज, भारत के पहले मुगल सम्राट कौन थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के पहले मुगल सम्राट कौन थे। चलिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसके लिए क्या ज़्यादा टाइम देना है, बाबर इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है
नेम द इंडियन किंग हु वार्मली रिसीव्ड द पोर्तुगीज ट्रैवलर वास्को डी गामा व्हेन ही लैंडेड एट कालीकट। ठीक है ना, तो उस भारतीय राजा का नाम बताइए जो कालीकट में उतरने के बाद पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का गर्म जोशी के साथ जो है स्वागत किया था। क्या होगा यहां पर राइट आंसर? एनी आइडिया? चलिए, यहां हो गया आपका टाइम अप। जमोरियन इज योर राइट आंसर। क्या होगा गाइस? जमोरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, द सर्वाइवर ऑफ दिल्ली सल्तनेट वाज, दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था, ये आपसे पूछा गया है। द सेवियर ऑफ द दिल्ली सल्तनेट वाज, एंड व्हाट इज द राइट आंसर? चलिए टाइम अप। गयासुद्दीन बलबन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 10 की तरफ। आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द दिल्ली सुल्तान टू इम्पोज जिजिया इवन ऑन द ब्राह्मिन्स, तो ब्राह्मण लोगों पे भी जो है जजिया कर जो है लगा दिया गया था, ये किस कौन सा दिल्ली का सुल्तान लगाया था? क्या होगा ये क्वेश्चन? तो बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए टाइम अप हो गया आपका। फिरोज तुगलक यहां पर आपका करेक्ट होने वाला है। क्या होगा? फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ अकबर, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? क्या होगा यहां पर राइट आंसर? चलिए खटाक से आंसर दीजिए। चलिए टाइमर हटा देते हैं। यहां पर आपका राइट आंसर होने वाला है कि विच वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ अकबर, तो फतेहपुर सीकरी आपका राइट आंसर है गाइज। वेरी गुड, गजब का आंसर आ रहा है। द टॉम्ब ऑफ जहांगीर वॉज बिल्ट एट, तो जहांगीर का मकबरा ये कहां बनाया गया था? क्या होगा राइट आंसर? कमॉन, लाहौर इज योर राइट आंसर। वेरी गुड, लाहौर इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है कि अकबर हेल्ड हिज रिलीजियस डिस्कशन इन, तो अकबर ने अपनी धार्मिक चर्चा आयोजित की थी किस जगह पे? यहां पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? एक्चुअली अकबर ने अपना बनाया भी था जहां पर वो ये सब रिलीजियस डिस्कशन करते थे, तो उस जगह का नाम क्या था? इबादत खाना जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सक्सीडेड गुरु नानक, तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। क्या होगा? यस, गुरु अंगद इज योर राइट आंसर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं कि द मोस्ट पावरफुल पेशवा वा, सबसे शक्तिशाली पेशवा कौन था? क्या होने वाला है? वाह वाह गजब, यहां भी राइट आंसर आ रहा है सबका। वेरी गुड बाजीराव, आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम चलते हैं। शेर शाह डिफिटेड हिमायू एंड कैप्चर्ड गौर इन द बैटल ऑफ, तो शेर शाह ने हिमायू को हराया और गौर की लड़ाई में कब्जा कर लिया था, वो कौन सा लड़ाई था? यहां पर क्या होने वाला है? चौसा इन 1539 AD आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है कि when the rule ऑफ द दिल्ली सुल्तान begins, तो दिल्ली सुल्तान का शासन कब शुरू हुआ? दिल्ली सल्तनेट एक्चुअली बेसिकली कब स्टार्ट हुआ था, कौन से ईस्वी से? वेरी गुड, यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ 1206 AD आपका राइट आंसर है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18, बहादुर शाह वाज बॉर्न इन द ईयर, वापस से ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। देखिए तो यहां पर आपको इसका आंसर तो पता ही होगा, 1643 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है आपके स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन डिड द रीजन ऑफ दिल्ली सल्तनेट केम टू एन एंड, कब समाप्त हुई थी? शुरुआत तो आपने देख लिया है 1206 ईस्वी से हुआ है, यहां पर आपसे पूछा गया है कि समाप्त कब हुआ, तो देखिए करेक्ट आंसर आपका 1600 AD एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है कि विच इज द होली बुक ऑफ द सिख रिलीजन, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है, ये तो आपको पता ही है, गुरु ग्रंथ साहिब आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वॉज नॉट बिल्ट बाई अकबर, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर द्वारा नहीं बनाया गया था? क्वेश्चन बेसिकली आपके एग्जाम में ये कभी कभी पूछ देता है कि अकबर द्वारा कौन कौन सा किला बनाया गया था, तो देखिए आगरा फोर्ट, अलाहाबाद फोर्ट, लाहौर फोर्ट, लेकिन ग्वालियर फोर्ट जो है ये अकबर द्वारा नहीं बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है कि विच मुगल इंपीरर ट्रांसलेटेड द मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, तो किस मुगल सम्राट ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था, तो कौन चेंज कर दिया था, शिफ्ट किया था?
आगरा से दिल्ली की तरफ, शाहजहां आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्या बात है, क्लैपिंग करने का मन कर रहा है, सबका राइट आंसर। और स्पीड तो देखिए, आंसर कितना स्पीड में आ रहा है। द ताजमहल वॉज बिल्ट बाई, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था। क्या बात है, शाहजहां, किसको नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्तान वाज नेम्ड बाय द अरब्स एज, तो मुल्तान को अरबों द्वारा नामित किया गया था, किस नाम से। यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर, वेरी गुड, सिटी ऑफ गोल्ड इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, हु कंस्ट्रक्टेड हुमायूं टॉम इन दिल्ली, तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। क्या होगा राइट आंसर। क्या होगा, क्या होगा, यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। देखिए यहाँ करेक्ट आंसर है हाजी बेगम, आपका करेक्ट आंसर है। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था, हाजी बेगम। यहाँ पे बहुत लोगों का इनकरेक्ट आंसर आया है, लेकिन कोई नहीं, इसमें आपको चांस है करेक्ट का। सूरत को कितनी बार लूटा शिवाजी ने, हाउ मेनी टाइम्स शिवाजी प्लंडर्ड सूरत। क्या होने वाला है, कितनी बार लूटा, 2 बार, ट्वाइस आपका राइट आंसर है। देखते हैं, ये सब भी क्वेश्चन पूछ देता है आपके सीजीएल में। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम अ मेंबर ऑफ द दीने इलाही, तो निम्नलिखित में से कौन दीने इलाही का सदस्य बन गया, कौन बना। हाँ, एनी आइडिया, बताइए बताइए। हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम ए मेंबर ऑफ द दीने इलाही, वेरी गुड, राजा बीरबल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है आपके स्क्रीन पर। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी एंड डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर, तो कौन, किसने मुद्रा जारी करने के बाद दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान बन गया था, कौन है। कुछ आइडिया आ रहा है क्या, कुछ आइडिया, यस, हाँ, बलबन कुतुब, नहीं, करेक्ट आंसर आपका इल्तुतमिश है। ठीक है, इल्तुतमिश आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं 29 की तरफ। आपको बताना है 29 में कि दिल्ली के सुल्तानों में से किसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई, हु ऑफ द दिल्ली सुल्तान परस्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, व्हाट इज द राइट आंसर। सोच रहे हैं ये सब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सर लेके आ गए, लेकिन नहीं, ये सब आपके एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बलबन आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, याद कर जाना है आंख बंद करके सब। हु वॉज द फेमस, हु वॉज द अकबर फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर, कम से कम 10 टाइम्स ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस में पूछ चुका है, और कम से कम 50 टाइम्स से ऊपर ये किसी भी जिसमें भी हिस्ट्री आता है उसमें ये पूछ चुका है ये क्वेश्चन, कि अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर का नाम बताइए, और इनका नाम था टोडरमल, आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 31, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर्स एबोलिस्ट जजिया, तो निम्नलिखित में से किसने जजिया को समाप्त कर दिया था, ये कर था, टैक्स था एक तरह का, तो ये क्या होने वाला है, अकबर आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, अकबर। क्वेश्चन नंबर 32, आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज द ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट्स कौन सा है इसमें से, कौन सा है भाई, यस, देखिए अजंता केव्स आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट इन द ईयर, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये कब लड़ा गया था, फर्स्ट बैटल की बात हो रही है, 1526 हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 34, हु वॉज अकबर्स गार्डियन, अकबर का संरक्षक कौन था, अकबर का संरक्षक कौन था। क्या होने वाला है, यस, बैरम खान आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, टोडमल द ब्रिलियंट रेवेन्यू ऑफिसर सर्व्ड अंडर, किसके अंडर में था, टोडमल शानदार राजस्व अधिकारी किसके अधीन था, शेर शाह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, शेर शाह इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए इससे पहले हम लोगों ने इनका नाम पढ़ा था टोडमल, तो वो जो थे वो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि टोडमल जो कि एक शानदार राजस्व अधिकारी किसके अधीन थे, तो यहाँ पर शेर शाह होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है कि हु इज कॉल्ड एज द प्रिंस ऑफ मॉनियर्स, ठीक है ना, मनियर्स, यहाँ है कि धन के राजकुमार के रूप में किसे कहा जाता है, धन के राजकुमार, मतलब बहुत ज्यादा धन इन लोगों ने लूटा था, बाप रे। इब्राहिम लोदी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, हु बिल्ड पुराना किला, पुराना किला का निर्माण किसने कराया था, क्या हो जाएगा। देखिए इतना फास्ट इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है आज थोड़ा सा फेस्टिवल है, तो सोच रहे हैं कि जल्दी से क्लास समाप्त हो जाए, तो यहाँ क्या होने वाला है, शेर शाह आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है, द कैपिटल ऑफ यादवा किंग वाज,
तो यादव राजाओं की राजधानी क्या था, ठीक है ना? यादव राजाओं की राजधानी थी, ये क्वेश्चन काफी इंटरनल पूछ दिया है, देवागिरी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 39, अमीर खुसरो वाज, अमीर खुसरो कौन थे? नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने अमीर खुसरो को, इनकी बहुत सारे आपने रचनाएं भी आप लोगों ने पढ़ी होंगी। पोएट आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, अमीर खुसरो। नेक्स्ट है कि हु फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी, ठीक है ना? यहाँ क्या होने वाला है, तमारा जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 41, आपसे पूछा गया है कि विच तुर्किश रूलर इन्वेडेड इंडिया 14 टाइम्स बिटवीन 1000 से 1026 एडी के बीच में? किस तुर्की शासक ने 1000 और से लेकर 1026 ईस्वी के बीच 14 बार भारत पर आक्रमण किया था और फाइनली जाकर उसको सक्सेस मिला? मोहम्मद गजनी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, हु वॉज द इल्डर ब्रदर ऑफ शाहजहां एंड मुराद बख्श? तो शाहजहां नहीं है, शाह शुजा है यहाँ पर, ठीक है ना, सॉरी, शाह शुजा और मुराद बख्श का बड़ा भाई कौन था? क्या हो जाएगा आपका? देखिए, इनका नाम तो आपने डेफिनेटली सुना होगा, दारा सिकोही जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है, यही थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है कि विच बैटल लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द विजयनगर एम्पायर? तो किस लड़ाई के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, वो कौन सा लड़ाई था, वो लड़ाई कौन सा था? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, बैटल ऑफ तालीकोटा जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना, जो कि 26 जनवरी 1565 के टाइम पे हुआ था, ओके ना? इसके बाद ही विजयनगर का पतन हुआ, स्टार्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा गया है कि एन एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट नोन एज दीवाने खोशी वॉज क्रिएटेड बाय? तो एक कृषि विभाग जिसे दीवाने कोही के नाम से जाना जाता था, उसका नाम क्या है, दीवाने कोही? मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना, यहाँ पर, हाँ, क्रिएटेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबी रंग में कौन सा स्मारक है, विच मॉन्यूमेंट इज इन पिंक कलर? पिंक कलर में कौन सा मॉन्यूमेंट है, कौन सा है? हवा महल आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, डैश वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक का नाम बताइए? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मॉन्यूमेंट इज नोन एज द ड्रीम इन स्टोन्स, ठीक है ना, तो किस स्मारक को स्टोन में ड्रीम्स के रूप में भी जाना जाता है? क्या हो जाएगा क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। पंचमहल आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, शाहजहां के शासनकाल में भारत आने वाले विदेशी यात्री कौन थे? द फॉरेन ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहांवाज, कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, मनुकी जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, अबू फजल वॉज द सन ऑफ विच सूफी सेंट? तो अबू फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? हर एक क्वेश्चन को कैप्चर कर लिए हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट पूछा गया आपसे। शेख मुबारक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, नेक्स्ट है आपसे कि विच डायनेस्टी वॉज रूलिंग इन विजयनगर एम्पायर एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ तालीकोटा, ठीक है ना, इसी बैटल में ना पतन हो गया था विजयनगर का। यहाँ वही पूछा गया कि उस मतलब तालीकोटा की लड़ाई के समय जो है विजयनगर साम्राज्य के में किस राजवंश का शासन था, किस राजवंश का शासन था? तो ये था तुलुवा, ठीक है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान डाइड वाइल प्लेइंग पोलो और चौगन, ठीक है ना, ये तो आपको भी पता है कि चौगान या पोलो खेलते हुए दोनों एक ही है, तो खेलते हुए किसका, किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी, बहुत अनफॉर्चुनेट था, ये होने वाला है कुतुबुद्दीन ऐबक का, बॉय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सिख गुरु हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे सिख गुरुओं ने अमृतसर की नींव रखी थी, किसने रखी थी नींव अमृतसर की? तो गुरु रामदास, गुरु याद रखिएगा, गुरु रामदास। क्वेश्चन नंबर 53, कि द सिटी ऑफ विजयनगर इज ऑल्सो नोन एज, जो सिटी है विजयनगर उसको किस रूप में भी जाना जाता है?
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्पी आपका करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 54, आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी डायनेस्टी इशूड कॉपर क्वाइन इंस्टीड ऑफ सिल्वर वंश। तो तुगलक वंश के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने चांदी के बजाय तांबे के सिक्के जारी कर दिए थे? किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, अकबर टॉम्ब इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पे है गाइस? क्या होगा? सिकंदराबाद आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, विच डायनेस्टी वॉज स्टार्टेड बाय खिरज खान। तो खिरज खान ने किस वंश की शुरुआत की थी? नाम से स्पष्ट है, खिरज खान यानी कि द सयाद जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बैटल ऑफ पानीपत बाबर फेस्ड द आर्मीज ऑफ। तो पानीपत की लड़ाई में बाबर को किस सेनाओं का सामना करना पड़ा था? इन द बैटल ऑफ पानीपत क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 58, कि वेयर इन इंडिया वॉज द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इस्टेब्लिश। तो भारत में पहला फ्रांसीसी कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? कहाँ पर किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पर किया गया था गाइस? फास्ट, सूरत आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। 59, द सिल्वर क्वाइन टंका वॉज इंट्रोड्यूस बाय। चांदी का सिक्का जो टंका है वो किसके द्वारा पेश किया गया था? देखिए इल्तुतमिश जो है आपका करेक्ट आंसर है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गोल गुम्बद? तो गोल गुम्बद क्या है? ये है मैसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह जो है आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। देखिए गाइस लाइव सेशन सिर्फ इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि लाइव सेशन करते हैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता, आज फेस्टिवल है, राखी है, तो यहाँ पर जो है आपको भी पता है भाई भी बिजी होने वाले हैं, बहन भी बिजी होने वाली है, इसीलिए इसको एकदम सुपर फास्ट तरीके से इस सेशन को ख़त्म कर दिया गया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा कुछ देर के बाद, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से मेडिवल को एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। कल से जो है मॉडर्न आपका स्टार्ट होने वाला, ठीक है गाइस। चलिए ऑल द बेस्ट और हैप्पी राखी ऑल ऑफ यू, जितनी भी लड़कियाँ यहाँ पे हैं सबको मेरे तरफ से हैप्पी राखी, और जितने भी भाई लोग हैं थोड़ा केयर करना अपने बहन लोगों का, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।